स्पीकर श्री हृदेश पांडे जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी ओबीसी वर्गों को अपना अभिन्न अंग मानती है और बीएसपी इन वर्गों के उत्थान के लिए पूरे जी जान से समर्पित है। इसी सोच के तहत संविधान के 127वें संशोधन बिल, जो राज्य सरकारों द्वारा ओबीसी के पहचान करने और इनकी सूची बनाने के अधिकार देती है, इस बिल का पुरजोर समर्थन बहुजन समाज पार्टी करती है। कितु मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, यहां आज इस विषय पर चर्चा होते हुए हमें आरक्षण के महत्व पर और उसके उद्देश्यों पर भी चर्चा करना अत्यंत ही जरूरी हो जाता है। बाबा साहब ने संविधान में समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए आरक्षण का प्राविधान किया था और आज उनके इस उद्देश्य से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आरक्षण दे करके समाज में एक अग्रसर स्थिति बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा भी रही है आरक्षण। मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आज आरक्षण ने पिछड़े वर्गों और एससी एसटी के लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों वर्षों से जो जातिगत और जात के दबाव में रख करके जंजीरों में जकड़ा हुआ था, आज कहीं ना कहीं आरक्षण उन जंजीरों को तोड़ने में और एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में बहुत मदद करता है और कारगर भी रहता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में आरक्षण का महत्व भी घटता चला जा रहा है। मान्यवर, अगर आप देखेंगे, जहां एक तरफ ये कहा जाता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दे करके एक समतामूलक समाज की स्थापना की जाए, वहीं दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनको कम कर दिया करते चले जा रहे हैं सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में ही अगर आप देखेंगे तो हर जगह जहां पे भी आरक्षण, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस में टीचरों के पद पर हो, प्रोफेसरों के पद पर हो, वहां पे आरक्षण, खास तौर से ओबीसी वर्ग के आरक्षणों को पूरी तरह से लुप्त कर दिया गया है, उनको इस सरकार ने खाने का काम किया है। और दूसरी तरफ ढिंढोरा पीटते हैं कि ये ओबीसी वर्गों के साथ पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि एक तरफ आप देखेंगे, चाहे वार्ड बॉय, नर्सेस, जो कि अभी कोरोना काल में जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम किया और जान जोखिम में डालने का काम किया, उनकी भी नौकरियां सरकारी नौकरियों से हटा करके सीधे सीधे संविदा पे देने का काम किया गया है, जो कि निजीकरण के तहत होता है। इसमें कौन सा ओबीसी आरक्षण लागू होगा, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। 97% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में है, 3% नौकरियां सरकार के पास है। इन 30% नौकरियों को भी आप घटा करके सीधे सीधे निजीकरण करके उनको आप संविदा पे देने का काम कर रहे हैं और ढिंढोरा पीट करके संविधान में संशोधन ला करके आप जनता को एक बार पुनः गुमराह करने का काम कर रहे हो। ये प्रयास कर रहे हैं कि जनता फिर से आपके झांसे में आ जाए और चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या किसी और प्रदेश प्रांत में चुनाव हो रहा हो, वहां पे आप फिर से इनको कंफ्यूजन में ला करके इनके वोट को लेने का प्रयास करने का काम करते हैं। लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस देश को जरूर बताना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ये सरकार सिर्फ गुमराह करने का काम करती है। ये किसी भी वर्ग के साथ और किसी भी समाज में समतामूलक समाज की स्थापना करने के पक्षधर ये बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ विभाजन की राजनीति करना चाहते हैं मान्यवर, और ये अत्यंत ही दुखदायक है और बहुत ही चिंताजनक है। मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि एक तरफ ये कहते हैं कि इन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समाज के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ ये ढिंढोरा तो जरूर पीट देते हैं, लेकिन आरक्षण को लेकर के जहां पे नौकरियां कम हो रही है, वहां पे जिन लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए, जब वहां पे नौकरियां कम होती चली जाएंगी तो इन लोगों को आरक्षण कहां से मिलेगा? सिर्फ ये एक दिखावा होता है, एक छलावा होता है, ताकि कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक झुंझुना बजा करके उनका वोट लेने का काम किया जाए। मैं यहां पे ये भी कहना चाहूंगा कि इसी के साथ साथ मान्यवर, अगर ये जातवादी राजनीति से पीड़ित नहीं है तो ये क्या है? आज इनको सबसे ज्यादा दुख इस विषय पर हो रहा है कि यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी अपना पक्ष रख रही है। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ
कि अगर ये विभाजनकारी और जातवादी राजनीति नहीं है तो इसके साथ साथ बीएसपी और बहन कुमारी मायावती जी आप सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पे इस चीज को इधर बोलो, बीजेपी के एक सांसद ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण होकर के ओबीसी की बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ इसलिए इस देश के लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं इस देश का रहने वाला हूँ इसलिए देश के लोगों की बात कर रहा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। समता मूलक समाज की स्थापना करते हुए अगर हम लोग यहाँ पे एक समाज के एक देश के लिए यहाँ पे इकट्ठा होकर के अगर अपनी बात रख रहे हैं और आपको उसके अंदर जातवाद मानसिकता झलक रही है तो ये बीजेपी का असली चेहरा दिखाने का काम कर रही है। आपके माध्यम से बताऊं, विभाजनकारी मानसिकता के तहत आज इनका पर्दाफाश होने का काम हो रहा है। मानवर, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा, यदि ये जनगणना नहीं होती है तो देश के हजारों ओबीसी समाज के लोगों के साथ इस जनगणना से उनको वंचित रखना ये बहुत ही सरासर अन्याय है, क्योंकि ये उनके अधिकारों से उनको वंचित करने का काम करता है यदि ये जनगणना उनके सामने नहीं रखी जाती है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ के दल यहाँ पे निरंतर जातवादी मानसिकता के तहत साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई शर्म नहीं करते, चाहे वो धर्म के नाम पर नफरत फैलाना हो या फिर आरक्षण को लेकर के वोटों की सौदेबाजी करना हो, जैसा कि हमने देखा कि एक भ्रम फैला करके चाहे वो श्रमण समाज चाहे ओबीसी समाज इन सभी लोगों को झुंझुना दे करके और पर्दे के पीछे नौकरियों का सफाया करके ये सरकार उनको सिर्फ और सिर्फ छल और अंधकार में डालने का काम करती है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा मान्यवर कि यहाँ पे ये भी याद करना चाहिए और खास तौर से ओबीसी समाज के लोगों को कि मान्यवर काशीराम साहब जी ने इसी दिल्ली राजधानी के अंदर जंतर मंतर में सन 1990 के दशक में जब ये वीपी सिंह की सरकार थी और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए धरना देने का काम किया था और उसी के साथ साथ Yes, please. मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब जी ने उस समय धरना देने का काम किया था और वीपी सिंह की सरकार को ये हिदायत दी थी कि यदि उनको अपनी सरकार बचानी है तो उन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी होगी और जिसके फलस्वरूप आज उनको आरक्षण मिलने का काम हो रहा है। ये बहुजन समाज पार्टी की प्रतिबद्धता है कि एक समता मूलक समाज की स्थापना हो और इसके लिए पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी निरंतर लगती रहेगी। और उसी के साथ साथ मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से कहना जरूरी है मान्यवर कि जातवाद के अंधकार से उभरने के लिए कि इस देश में एक समता मूलक की स्थापना करने के लिए हम लोगों को ये बहुत जरूरी है कि हम समान अवसर हर वर्गों को देने का काम करें और उसके लिए मान्यवर हमें विभाजनकारी राजनीति नहीं करना है, हमें लोगों की नौकरियों के साथ छल कपट नहीं करना है, लेकिन समाज को अग्रसर बनाने के लिए एक समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए सर्वजनिताय सर्वजन नारे के तहत जिसमें बहन कुमारी मायावती जी चलने का काम करती है उस पर इस पार्टी को भी चलने का काम करना होगा और तभी एक समाज की स्थापना हो पाएगी जिसमें सभी लोगों को बराबरी मिलेगा, सभी लोगों को समान अवसर मिलेंगे और इस देश का उत्थान होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।